वहीं पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी और इस सुनवाई में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला की बेंच से कहा था कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है और इसे अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे इस एड का भी साइज वही था, कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें, इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है।